देश में थोड़ी सी धूप निकल जाए दुनिया बाहर निकल आती है। देखो भाई, देख रहे हो कितने बच्चे खेल रहे हैं बाहर में, और उनमें से एक हम भी हैं। आज पहले दिन पूरे दो हफ्ते में बारिश रुकी है और दोनों जिंटी भाई एक साथ बाहर निकले हैं आज और, पहली बार अकेले और आज ही धूप निकली है इतने दिनों बाद। तो हमने कहा कि आज ही हम निकल गए सुबह ही। अभी कितने बज रहे हैं? एक बज रहा है, सुबह नहीं होती है। हम दोनों ये तो अभी आया है। चलो, मैं पिछले दो साल से टोरंटो आइलैंड गया ही नहीं हूँ, तो मैं कहा आज वहीं चलता है। इतनी प्यारी धूप हो रही है, थोड़ी जैकेट से पहन ली कि इस देश का ना कभी नहीं पता चलता, कभी भी नहीं पता चलता। कभी भी रोना शुरू हो जाएगा, कभी भी बारिश हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी जैकेट है हवा रोकने के लिए और थोड़ा सा पानी रोकने के लिए। बाकी अभी सभी लोगों का स्वागत है इस नए व्लॉग में। भाई आज चलते हैं टोरंटो आइलैंड, पूरा फेरी वेरी के मज़े लेते हुए जाएंगे। पर आज तक मैं गया नहीं हूँ ना, ये गया है क्योंकि ये तो अभी आया है। तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं, वहाँ पर जाके सारी टिकट्स वगैरह चेक करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि क्या सीन है और क्या नहीं। फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के भी सीन है। हमने एक और जने को बुलाया, उससे भी मिलवाते हैं क्योंकि शायद वो गई हो, तो उससे पूछते हैं कि कैसे जाते हैं क्योंकि उसी का प्लान है। सो वी कुड से थियोरेटिकली इट्स समर बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट। इंग्लिश में बोल गया कुछ, ठीक है। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं बट ठंडी हवा अब भी चल रही है, तो अभी समर सही से नहीं आई है। बट बीच में भी दो चार दिन आए थे गर्मियों के, फिर बारिश शुरू हो गई लगातार दो हफ्ते, तो अब दोबारा आई है। तो इसे मज़े लेते हैं, अपना एक ही सहारा है, TTC बस से जाएंगे। अपना पर्सनल ड्राइवर हर दिन आता है, अपने आपको स्टॉप से उठाता है और लेके जाता है जहाँ जाना है, तो उसी के मजे लेते हुए चलेंगे फटाफट से। बस स्टॉप पहुँचते हैं, नए बंदे से पूछते हैं कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, उसको रूट वूट सब पता है। मैं घर से चेक करके आ गया हूँ, पर मैं उसे तंग नहीं करना चाहता, तो उससे पूछ लिया था मैंने कैसे कैसे जाना है, तो वो बताएगी और हिसाब से चलते हैं। चलो फटाफट। एक तो ये समर की ना सबसे अच्छी बात यह है कि आपको विंटर जैकेट नहीं पहननी पड़ती, चश्मे लगा सकते हो सेक्सी सेक्सी और मस्त माहौल। इतनी अच्छी धूप हो रही है, बाहर खड़े होने को जा रहा तुम्हारा, तो मेरे को वीडियो बनाना बंद करो। ओके, 15 मिनट के बाद इस लड़की ने बताया कि इसे भी रास्ता नहीं पता है। तो अभी एक फोन पे पूछ रही है सबसे, हाँ कैसे जाना है? प्लान किसका था? तुम्हारा? नहीं। अरे तुमने तो कहा था कि कहीं भी बुला लेना, आ जाऊंगी। जब ये छोटे बच्चे फंस जाते हैं ना कहीं पे, तो दूसरे पे नाम लगा देते हैं कि ये तेरी गलती, ये कर रही हो ना। भाई साहब, इस पॉइंट पे कोई फोटो खींच के डाल दे तो दुनिया कनाडा आने को पागल हो जाएगी, इतना सुंदर एरिया लग रहा है। पर गाड़ियों की थोड़ी आवाज़ आ रही है भाई, बस एक मैं फूलों पे खड़ा हो जाऊँ, फूलों पे खड़ा हो जा। एक सिर्फ बसेस की कमी है, बस और आ जाए टाइम टू टाइम। खड़े रहना वहाँ पे, रैंप वॉक करता हुआ आता रहा, बस बस नहीं आती है टाइम पे, बाकी दुनिया में देश में सब हो जाएगा। तो इतना हल्ला मचाते हो ना, जीवन खराब कर रखा है, ब्लॉग नहीं बना सकता एक इंसान, थोड़े व्यूज कमा ले, पैसे कमा नहीं सकता। थकी हुई बच्ची। अरे ये आप घुटना क्यों फटा हुआ है, ये क्या है? बेटा बड़ी मेहनत, बेटा बड़ी मेहनत वाला काम करता है, तुम्हारे तो जींस पैंट फट गया। ये क्या हो गया? फैशन तो दिखा ना, फैशन कहाँ से हो बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या? अभी एक अंकल ने इसको बोला कि बेटा आप ज्यादा काम करते हो, ऐसा लगता है आपकी जींस फटी हुई है, इतनी गंदी बेइज्जती हुई है ना इस बंदे की। किस्मत खराब हो, आई थी ये भी बंदा है। तो भाई अब सीन ऐसा है कि हम किपलिंग स्टेशन आ चुके हैं, किपलिंग से हमें जाना है यूनियन स्टेशन पे। उसके लिए पहले सेंट जॉर्ज जाएंगे, सेंट जॉर्ज से यूनियन, यूनियन पे जाके वहाँ से पता करेंगे कि वहाँ तक टोरंटो आइलैंड तक कैसे जाते हैं और फेरी वेरी का सीन कहाँ से कैसे बनता है। तो अभी यहीं पर है और बहुत ऐसे सब्वे भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या सीन हो गया आज। दिन क्या है आज? तो फ्राइडे है भाई, वीकेंड भी नहीं है कि छुट्टी हो, डिले चल रहा हो, फिर भी लेट चल रहा है। भाई साहब बस में इतने मजे आ गए, एक अंकल ने इतने मजे ले रहा दृष्टि के, फालतू में जोक मारता रहा उसके ऊपर उसकी पैंट को लेके कि बेटा आप इतना काम करती हो तभी आपकी पैंट इतनी ज़्यादा फट गई है। और वो भाई साहब पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे, पीछे ही नहीं छोड़ा एंड तक उन्होंने। वो है कहाँ अभी? भाई इतनी ये सबवे स्टेशन है यहाँ का, यूनियन सबवे स्टेशन, और इतना सुंदर, हर जगह तैयार हो जाता फोटो खिंचवाने के लिए। खींच देते भाई, वो जल्दी पूछो मिली बोतल में नहीं। अभी जाओ भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें पता नहीं है कहाँ जाना है,
और ऐसे जो झूठे लोग हैं ये भी आज तक नहीं गई है, तो ये भी किसी से पूछ रही है, फिर हम कहीं जाएंगे। पर मैं गूगल पे चेक कर सकता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है इसको तंग करने में। तो तेरी फोटो खींचाता हूँ मैं, खड़ा हूँ अगर मैं छोटे बच्चों को जाकर कपड़े मांगने पड़ते होंगे। देखिए कितनी छोटी है ये, भाई दे दे बेचारी की भाई साहब, छोटे बच्चों को कपड़े दिखाना भाई साल की। ये फोटो शूट करा रहे थे तो अब हमें बाहर से 510 लेनी है। भाई अंदर अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाना। अबे है इधर से, देखो ये मेरा भाई है। चलो भाई साहब 510 लेनी है, तुम डिसाइड कर लो। 510 लेनी है, वो लेके हमें जाना है टोरंटो फेरीज के पास, वहाँ से फेरी पकड़ के आइलैंड। दिख रहा हूँ मैं, मुझे पता है ये रहा भाई अंडरग्राउंड। भाई ये हमें खींच के ले जा रहा है कि इसको पता है, पर वो सब छोड़ो, ये देखो भाई कितना सुंदर है। अबे तो साइड हो जाए, सुंदर जगह ख़राब करिए, कितना सुंदर है भाई सब। अब ये देखो उधर ले जा रहे जिस तरह मैं उंगली कर रहा था ना, ए छोटू। तो इट्स आवर फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से तो थोड़ा सा मैं पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम से, बट ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं आखिरी में आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों के साथ में थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है, कनाडा आ गए पर ये लड़ना नहीं छोड़ा है ना तुम लोगों ने। और ये पता है पहली बार मिले आज बंदर सी। तो भाई हमें वहां से 510 सफे पकड़ेंगे। तुम घर जा रही हो? अरे वो कैश दे दो। तो तुम लड़कों को तुम, मैं अगर लेट हुआ, अबे दे दे भाई इसका फोन। और भाई चलो अपना सामान वामान उठाओ, बढ़िया ये फोटो लास्ट चश्मा दे बे। गाइस मैं इस चश्मे में ऐसे लगता हूँ जो मैं खरीद के लाया था अपने को, अब मैं देखो कैसा लगूंगा। क्या रहा दिखा रहा है तो गाइस मैं ऐसा लगता हूँ अब मैं ऐसा लगा। अब टी शर्ट में पहन ले, शिंटी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर टैक्सी पब्लिक पार्किंग। हम पे तो गाड़ी वाड़ी है नहीं, पर यहाँ वाटर टैक्सी लिखा हुआ है, और शायद यहाँ से कुछ हमें हिसाब किताब मिलेगा जो हमें लेके जाना होगा। फेरी का मतलब पता है, एक बोट होती है उसमें बैठ के जाना होता है। तो फेरी के पैसे भी खर्च रहे, तुम तैर लो। इतना दिमाग होता है ये कनाडा में थोड़ा ना आती। हम तो आ गए, ये भी ऐसे। तो भाई चल के देखते हैं कि कहाँ से टैक्सी वैक्सी मिलेगी और बात करते हैं। ए इधर नहीं जाना, इधर जाना है। अभी उम्र क्या पगली तेरी, तू अभी से कूदने जा रही है था। अभी तू है कितनी सी, बड़ी तो हो जा पहले, फिर उम्र ही हो। तो भाई एक बार जाके रेट्स वगैरह चेक करते हैं क्या कि ये वाटर टैक्सी वाले हैं, ये $13 लेते हैं वही सेम सर्विस के, और थोड़ा आगे जाके जो फेरीज होती हैं वो $10 के आसपास में वो हमें ले जाती है, पर वो 45 मिनट्स के स्लॉट पे चलती है कि 45 मिनट बाद ही चलेगी। जब हम तुरंत बैठेंगे तुरंत ले जाएगा हमारे बीच में, ये तीसरा इसका चेहरा दे मुंह में, कैमरे में मुंह दे इसका। हाँ तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से फेरीज मिलेंगी, क्योंकि वो $10 के हैं। देख लेते हैं, क्लेचर से मुंह की और 8:30 की है, 9:30 बोला था उसने, उसको बड़ा पता है, मैंने तो गूगल पे देखा। ये देखो बस कर, क्लेचर से मुंह की, चुप हो जाओ, मेरे को एडिटिंग में हवा खराब हो जाएगी। तो उसने कहा आगे से लेफ्ट लोगे तो वहाँ से फेरीज मिल जाएंगी। ये वाटर टैक्सी थी, ये थोड़ा डिफरेंट होता है पर सेम सर्विस रन करते हैं। हाँ मतलब $4 मच्छर नहीं दिखेंगे कैमरे में। गई यहाँ से मिलेगी वो फेरी वाला हिसाब किताब, तो यहाँ से फेरी लेंगे। और यहाँ पे जो रेट्स है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि $10 के आसपास है। यार तुम दूर हो जाओ यार प्लीज। तो यहाँ से फेरी मिलेगी, अब देखते हैं रेट्स वगैरह क्या है, जब बात करके आओगे। मैं नहीं जाऊँगा भाई, यहाँ पे वेट करना है, कोई सी फेरी लगेगी उसमें हम चढ़ जाएंगे, जैसे रेगुलर जैसे पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं ना उसी तरीके से। अभी सारे लोग वेट कर रहे हैं, 45 मिनट्स का हॉल्ट होगा, उसके बाद हम उसमें बैठ जाएंगे। और इस अगर किसी को अलग घूमने जाना हो, जैसे सेपरेट घूमने जाना हो, तो वो वहाँ से $13 वाली ले सकता है। बट मेरे को है कि मैं सबके साथ जाऊँ, क्योंकि उसमें हम तीनों ही चले जाते हैं, क्या मज़ा आता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़ेंगे ना एक फेरी में, तब मज़ा आएगा। हाँ लोग जानते हैं दृष्टि, तो मैं नहीं, मुझे उसको बात बतानी है। तो इस बर्थडे का बर्थडे 11 फरवरी को होता है, सो इसने इनवाइट नहीं किया था, और सबसे पहले विश करने वाली मैं थी उसके, तो कोई बर्थडे पार्टी को कुछ नहीं है, तो इस आज का खर्चा ही सारा उठा रहा है, चाहे वो उसका चाहे वो मेरा। ठीक है, ओके गाइस थैंक यू। अभी हुआ क्या है कि सीन ऐसा है कि दृष्टि घर चली गई है, और यहाँ से हम सिर्फ 2 लोग चढ़ेंगे फेरी में,
तो 45 मिनट्स का हॉल्ट है, उसके बाद सारे चढ़ेंगे। हम वहाँ से अकेले अकेले जा सकते थे कि हम तीनों वहाँ से टैक्सी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं आराम से, बट सीन ये है कि अब सबके साथ जाएंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। और सब लोग इन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों। पर वाटर टैक्सी किसी और बार ट्राई करेंगे, बट आज इसी में चल के बेस्ट है। अरे पता नहीं नेक्स्ट कब आएगी, क्योंकि हमारे पे यहाँ पर 3 टर्मिनल है, 1-2-3, तो हमें टिकट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी धूप अच्छी हो रही है तो यहाँ पर सो जाता है। भाई ये एंट्री वेंट्री है मस्त एकदम, टिकट विकेट अभी तक किसी ने मांगी नहीं है। अबे साइड हो जाओ, फेरी दिखा दो, ऊपर चलेंगे ऊपर। भाई ऐसा सा इलाका है पूरा, आगे पनीर। ये ऊपर से लाइफ जैकेट्स हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो यूज़ करने के लिए। ये बस ये से जाना है, जा हाँ, सकते हैं। मेरे को क्या पता, ऊपर जाने का, ऊपर जाने का ये क्या, मेरे को नहीं ऊपर नहीं जा सकते। भाई दूर जाने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। अब यहाँ पे वो वीडियो बना, मेरी बना दे, भाई ये जो व्यू है ना पीछे जो भी आपको दिख रहा है इतना सुंदर लग रहा है ना दूर जाते हुए। इसलिए मैं पहले फ्रंट पे खड़ा हुआ था, मैं वो छोड़ के बैक में आया, मैं कहा दूर जाने वाला सीन बहुत अच्छा लगेगा। अब देख रहे हो पीछे कितना मस्त आ रहा है। ये किसी का प्राइवेट होगा, अपना कोई घुमा रहा होगा मस्त। ये आपका सीएन टावर, उधर से आए थे पूरे डाउनटाउन से और आइलैंड पे आ चुके हैं ये पूरे इलाके में। अब यहाँ घूम के देखेंगे क्या सील है। भाग के रहे हो, अब यहाँ पे कितने घूम सकते हैं, क्या सीन है। पर भाई ये पानी चमकता हुआ देख रहे हो तुम्हें, पता नहीं वीडियो में क्या दिख रहा है कि नहीं, पर मेरी आंखों से इतना बढ़िया लग रहा है ना। वहाँ पे शायद और भी लोग खड़े हुए हैं, ये वाली फेरी शायद इनको वापस ले जाएगी और जो अगली आएगी तो उसमें बैठ के हमें वापस जाना होगा, तो कुछ ऐसा सीन होगा। अभी वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बैठ के वापस जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे की लग रहे हैं, अरे अब यहाँ आते हो, यहाँ क्या करना है, मैं जैक, ये मेरी ब्रिंसलेट, चल अरे हम चल रहे फट्टो पे, ब्रांड न्यू फट्टो, धीरे बोलो धीरे बोलो, तो बहुत चल रहा है भाई। ये एक तो एक तो जीवन में अगर गूगल नहीं होता ना तो ऐसे बच्चे घर में ही रह जाते। चैट जीपीटी तो चल रहा है लेकिन आजकल, चैट जीपीटी चला रहा है, उससे पूछो टोरंटो आइलैंड में क्या क्या कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे तो स्कूल बस भी है, बच्चे स्कूल आते हैं क्या इतनी दूर। टोरंटो आइलैंड आर वर्थ विजिटिंग फॉर द व्यू अलोन, बस अलोन अलोन क्या करूं, तेरे साथ कैसे अलोन रह सकते हैं। अबे चुप रह, नहीं तो यही गाली दे, अबे इधर आ गए, अबे वहां पे मैप लगा हुआ है पूरा यार, ओ बस ठीक है ठीक है। यहाँ पे आगे मैप है, आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस तरफ को हमें जाना है। बट मैंने जैकेट इसलिए उतार दी कि यार बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट है ना गर्म हीट ऑब्जर्व कर रही है। भाई ये देखो ये पूरा इतना बड़ा है और यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो पूरा अभी तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो कि आज नहीं घूम पाएंगे, ट्राई तो करो कितना घूम पाएंगे। अभी हम ये रे वाला बीच दो ऊपर, चलो इसकी फोटो खींच लो कोई अपने फोन में खींचो भाई। भाई ये व्यू बहुत अच्छा है, अभी आगे जाके कुछ खाने का सीन है और उसके पास ही बीच है, पहले खा लेते हैं कुछ उसके बाद बीच पे चलेंगे, पहले खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। ये इतनी गिट्ठी सी है, उसके कंधे पे हाथ रख रखा है, ये देख रहे हो इसका हाथ जा कैसे रहा है। भाई साहब ये पूरा एरिया इतना बड़ा है, पिछले 15 मिनट चले जा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है ना खाने पीने का ना कुछ, दिल्ली का वो चिड़ियाघर गया कभी कोई,
भाई बिल्कुल वैसे फील आ रहा है जैसे दिल्ली के चिड़ियाघर में आ गए हो। दूर दूर से ऐसी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है और दूर दूर तो कुछ नहीं, पर ये तो वीकडे वाला दिल्ली का है, अगर वीकेंड में चले जाओ तो वहाँ भी बहुत भीड़ है भाई यार। तो बड़ी तेज मारा भाई। खाने पीने का तो कुछ नहीं मिला, पर जो बीच का एरिया है वहाँ पे जाके देखते हैं। इस पर लिखा हुआ है यू आर एंटरिंग अ क्लोथिंग ऑप्शनल एरिया, तो पहनने नहीं पहनने वो आपकी मर्जी। देखते हैं भाई, ये पता नहीं कौन सा बीच है, पर इस पर लिखा हुआ है कि आप बिना कपड़ों के भी घूम सकते हो, तो पता नहीं क्या लॉजिक है। बट हाँ, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते, पर अभी कोई है नहीं तो हम मतलब कोई और है नहीं तो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, पर वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो ना फोटो वोटो खींच सकते हो, पता नहीं ऐसा क्यों। और यहाँ की जो सैंड है ना ये भी पर्पल से कलर की, देख रहे हो, पता नहीं क्यों। पर भाई यहाँ का जो व्यू है ना, किसी ने 3 इडियट देखी हो तो उसका एंडिंग सीन जो होता है ना जब वो बीच के एक जगह पे खड़े होते हैं और चारों तरफ से पानी वानी होता है, भाई एग्जैक्टली सेम वैसा ही फील आ रहा है यहाँ पे खड़ा होके, बहुत प्यारा। भाई साहब माँ कसम, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बंदा नंगा घूम रहा है उस बीच पे, कसम से। इसलिए हम वहाँ पे कैमरा वैमरा बंद कर दिए, फोटो खींच रहे थे तो हमने एकदम से ऑब्जर्व किया कि एक लड़का नंगा घूम रहा है भाई, लड़का नहीं, हम उसे छोड़ के आ गए, चुप रहे। और वैसे भी इसीलिए अभी समझ आया कि नो क्लॉथिंग्स एंड नो कैमरा, दिस इज द रीजन। हाँ वो तो मैं पहले बता चुका, बट मुझे नहीं समझ आया था। हाँ, तो ज्ञान मझड़। हाँ तो उस पर पहले लिखा हुआ था कि नो क्लोथिंग और नो फोटोग्राफ, तो मेरे को समझ आ गया था कि हाँ चल लोग नंगे होंगे तो इसलिए होगा, पर भाई सोचा नहीं था कि सच में कोई होगा भाई, वो बिल्कुल ही, मैं कहा ये क्या बदतमीजी है, मैं कहा भाई यहाँ चलो यहाँ नहीं रख सकते, वहाँ से निकला है वो अभी सिनेमेट्रिक बना रहा है, पता नहीं अंकल की वीडियो बना रहा है क्या कर रहा है, पर कुछ तो कर रहा है। मैं कहा भाई मैं नहीं रुक सकता ऐसे, मैं नंगा आदमी देख सकता, मुझे रुकना है मेरे जूतों में मिट्टी, तो रुक जाओ, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा कहीं भी रुको, मेरे को रुक जाओ लो, बात मत कर रहा तुम। हाँ तो भाई इतनी बुरी चीज़, बुरी क्या ऐसी चीज़ क्यों है देश में, क्यों? दिस इज नोन एज फ्रीडम। फ्रीडम क्या नंगे घूमोगे? हाँ भाई फ्रीडम होती है कि आज़ाद हो, ठीक है, अरे नंगे थोड़ी घूम सकते हो। अरे यार उनके होगा यार, उन्होंने इसीलिए रूल बनाया बेंच पे बैठे। चलो पर भाई बाय, नहीं हो पाया, मैं नहीं रुक पाया, मैं अपने जूते नहीं उतार पाया वो आदमी नंगा घूम रहा था, स्ट्रेंज वो आया कैसे यहाँ तक। अब तू बुला रहा भाई, वो आवाज मार रही चिड़िया, वहाँ तक चलते हैं ना। चलो चलो यार। मैं तो जा रहा हूँ। प्लीज व्यूज भाई देखो, व्यू बहुत अच्छा है, चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो मैं दिखा सकता हूँ, बट जो सबसे बुरी चीज़ मेरे को अभी तक लगी ना कि इनको ना एक जगह पे मैप था भाई, दिल्ली के जो चिड़ियाघर है उसमें चारों तरफ मैप है भाई, किसी भी तरफ चले जाओ वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो कि भाई किस तरफ को जाना है, एक ही मैप था स्टार्टिंग, उसके बाद मैप ही नहीं है, हम घूमे जा रहे हैं ऐसे मजे में, जहाँ पे अच्छा दिखता है उस तरफ मुड़ जाते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं इधर से, मिला नहीं कुछ खाने पीने को। अभी एक और ये मरीन ड्राइव जैसी जगह दिख गई है पत्थर पत्थर वाली, तो यहाँ पे देखते हैं। व्यू तो देखो बहुत सुंदर है, क्या जा रही है, बट सीन वही है कि अगर ये कहीं बीच में मैप लगा देना एक दो जगह की, रेस्टोरेंट लेफ्ट में है राइट में है, तो बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा जाने में, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल में भाई अपने आप दिमाग लगा के भागते दौड़ते रहो, भूख लग रही इतनी ज़्यादा और कोई जगह नहीं मिल रही, पता नहीं भाई क्या करके गई पीछे। ठीक है भाई, एक साफ सा मैप मिला है, हम फेरी पकड़ के इस पॉइंट पे आए थे, अब मैं कह रहा हूँ कि हम अभी यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ से फेरी पकड़ के वापस चले जाएंगे, तो एक पूरा सर्कल भी कट जाएगा और यहाँ से इतना दूर है भी नहीं, और यहाँ पे ये 34 36 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कैफ़े है, अगर खुला होता है तो ठीक है। और बाकी जो सीन क्या है कि अभी स्प्रिंग चल रहा है और ये सारे खाने पीने की चीज़ें समर्स में खुलती हैं, तो अभी सब कुछ बंद है, कुछ खाने पीने को भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, सिर्फ ये ड्रिंक्स वगैरह इनमें ट्राई कर लेते हैं मिलती है कि नहीं, और साइकिल जो रेंटल वाला सीन था वो बंद हो चुका है। अब इसमें देखोगी क्या पहले ये तो बताओ, हटाना इसको आगे से, अंधेरा। अब इसमें पैसे नहीं डालने पड़ते क्या? अंधेरा। अबे पैसे डालने पड़ते गरीब
अंधेरा आ रहा है पीयूष। पैसे देखेंगे क्या, पैसे डालने का फायदा भी नहीं है। अब जाके कुछ खाने को मिला है और फ्राइडे टू सैटरडे 12 से 7। अब यहाँ चल के देखते हैं। अबे किसी की फोटो खींच रहा है, भूल जाता है क्या, गजनी है क्या? ये मेरा वेजिटेरियन बर्गर, ये इसने कुछ तो मंगाया था सैंडविच वैंडविच, पर इसमें चिकन है, बेकन भी था पर हमने वो हटवा दिया। ये भाई ने मंगाया लज़ानिया। बिल की टेंशन बाद में, पहले खा लेते हैं फिर भाग लेंगे यहाँ से, झाड़ी कूद के। अपनी पर्सनल पर्सनल बोट होती है ना, वो यहाँ पे लोग पार करके मस्त घूमते रहते हैं इधर उधर। और यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत सारी। हमारी भी बोट इसी तरफ कहीं पर आएगी, इसलिए इधर कोई जा रहे हैं। और जो भी था सीन, शायद हमारी जो जिस टिकट चाहिए थे वैसे उससे वापस जाएंगे, बट यहाँ पर हमें टाइमिंग चेक करनी पड़ेगी कि किस टाइम पे आ रही है। पर इनकी फ़ोटो नहीं ख़त्म हो रही है, हर जगह फ़ोटो। भाई किस्मत नहीं सही है, वहाँ से वापस आते ही एक फेरी मिल गई जो वापस जा रही थी अपने घर को, मतलब उस तरफ को, तो एकदम मज़ा आ गया। अबे नहीं चल रही भैया, पिछले आधे घंटे से कह रही है वो चल रही है, चल रही है, वो खड़ी हुई है। तेरा चश्मा कहाँ बेटा? अबे अंधा आई साइड वाला। भाई हमारा पूरा आज का ट्रिप हो चुका है ख़त्म। अगर समर्स में आप आ रहे हो टर्न आइलैंड तो भाई बेस्ट जगह है घूमने के लिए, पर अगर आ रहे हो तो पूरा दिन निकाल के आना हमारी तरह, दोपहर के 2-3 बजे मत आना, स्टार्टिंग में आ जाना सुबह के 11 बजे, तब सही से घूम पाओगे। और $10 इन्वेस्ट करके घूमना भाई वर्थ इट है। हम तीनों के $27 लगे थे, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग भी कर सकते हो जब भी आना। किसी कुछ कहना है? हाँ, अब जब आप आओ कुछ खाने को ले आना थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि इतना चलना पड़ता है तो भूख लग जाती है इंसान, और बहुत दूर दूर कैफे से। तुम मुस्कुरा के रहते हो, बोलते कुछ कैफे से खुले भी नहीं थे, बिकॉज़ दे सेड लाइक इट्स स्टिल स्प्रिंग नॉट समर। इंग्लिश नहीं यानी हिंदी बोलना, हिंदी बोलना। हाँ, तो अभी स्प्रिंग चल रहा है, समर सही से आए नहीं है तो इसलिए खुले नहीं थे, बट होपफुली जब आप समर्स में ट्रैवल करो तो ये जगह खुल जाए, तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अब घर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे तो देखते, पर नहीं खाएंगे शायद। भाई बस वैसे उतर गए थे, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था जैसे मैं हर बार बोलता हूँ एंड में, कि समर्स आ चुकी हैं तो बहुत लोग अब बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलेंगे, और कैनेडियन स्पेशली से समर्स के 4 महीनों का वेट करते हैं कि जैसे ही ये 4 महीने आएंगे वो घूमने निकल जाएंगे। और भाई यहाँ पे ओंटारियो में 8 महीने बर्फ़ पड़ती है तो लोग इतने पक जाते हैं ना, तो 4 महीने में उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है बाहर निकल के घूमने की। वही हमारे साथ है, हमारी फ्रस्ट्रेशन भी अंदर थी और अब बहुत तगड़ी करके निकलेगी जब भी बाहर निकलेगी। और हमने तो पूरा प्लान सेट कर रखा है कि जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाएंगे और आप लोगों को साथ लेके जाएंगे और साथ में दिखाएंगे। आज का दिन बहुत मस्त निकल गया क्योंकि शिंटी भी साथ था और दृष्टि को बुला लिया था, तो सब कुछ एकदम सेट बैठ गया। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसे किसी नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, जो मन में आ रहा है वो करते रहिए, और लाइफ में टाइम बहुत कम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घूमते रहिए। मिलते हैं। Yes. Don't wait for the right time. Yes. This is the right time. Sign out. With the